हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको जो सत्यनारायण व्रत के बारे में बताऊंगी, मुझे कमेंट आ रहा था बहुत दिन से, तो ये वीडियो मैं आज ही बना रही हूँ। वैसे तो कल है पूर्णमासी का व्रत, लेकिन मैं क्योंकि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैं इसलिए आज ही बना के दिखा रही हूँ आपको। तो आप ये मेरी वीडियो देखिए, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय श्री राधे। देखिए, पहले हम मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने लकड़ी का पाटा रखा है, उस पर मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है। आप लाल बिछा सकते हो, सत्यनारायण की कथा में आप पीला भी बिछा सकते हो, पीला भी बेस्ट रहेगा, और लाल भी, कुछ भी बिछा सकते हो। फिर आप उस पर इस तरह से विष्णु भगवान की या सत्यनारायण भगवान की जो भी आपके पास प्रतिमा है वो आप रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप शालिग्राम जी रख सकते हैं, वो भी नहीं है तो कृष्ण भगवान की मूर्ति या फोटो आप कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद फिर मैंने ये फल में ये केला होता है मेन, तो मैंने केला रखा है। वैसे और भी फल ले सकते हैं, लेकिन केला सत्यनारायण भगवान जी को अति प्रिय है तो केला रखा है मैंने। और फिर आप इस पे, मैंने ये पूजा की थाली बना दी है, तो इस तरह से आप पूजा की थाली करिए। लेकिन इसमें हम पहले गणेश जी बनाएंगे, बीच में मतलब सातिया बनाएंगे, तो ऐसे मैं ये सातिया बना दूंगी। ये देखिए, मैंने ये सातिया बना दिया इस पे, आपको दिख रहा हो तो। और अक्षर डाल दूंगी थोड़े से, और फिर मैं ये ज्योत इसके ऊपर रख दूंगी। वैसे मैं गणेश जी की मेरे पास मूर्ति है, मैं वो रखती हूँ, लेकिन आप अगर बाई चांस गणेश जी की फ़ोटो मूर्ति अगर नहीं हो तो इस तरह से आप गणेश जी बना के, ये देखिए सुपारी के बने हुए गणेश जी, वो भी आप रख सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे आप अष्टदल, आपको कमल आता है वो भी बना सकते हो, रंगोली बना सकते हो, लेकिन मैं आपको चावलों से सातिया बना के दिखाती हूँ। सातिया बनाओ आप, तो आप कुछ भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से रंगोली भी बना सकते हो और अष्टदल कमल भी बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो बना दो। तो ये मैंने सातिया बना दिया है, और ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि और सत्यनारायण का व्रत पूर्णमासी को ही होता है। और इस जो तिथि होती है करने की, वो चतुर्दशी तिथि होती है, तो चतुर्दशी को पूर्णमासी का व्रत होता है, इसे सत्यनारायण व्रत भी कहा जाता है। कई लोग चांद का करते हैं, कई लोग तारों का करते हैं, सब अपनी हिसाब से करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये सातिया बना दिया है। अब इस पे मैं ये कलश स्थापित करूँगी। ये मैं कलश पहले भी मैंने आपको दिखाया था, इस कलश में मेरे शुभ लाभ सातिया ये देखिए सब बने हुए हैं। ये देखिए ओम, तो मैं अधिकतर यही कलश लेती हूँ करके। फिर इस पे आप कलावा बांध दीजिए। ये देखिए, अब मैं इस पे कलावा बांध दूंगी ऐसे। कलावा बांधने के बाद आप इसमें एक सुपारी, 1 रुपया और कुछ दाने चावल के डाल दीजिए इस तरह से। ये डालने के बाद फिर हम यही कलावा भगवान जी को, अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करिए, वैसे अधिकतर सब कलावा ही भगवान जी को चढ़ा देते हैं। तो ये कलावा पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे, ये लोटे में गंगा जल डालेंगे। देखिए, गंगा जल डाल के आप इसमें जो इसमें डिप करके आप कुशा भी ले सकते हो, दुर्वा भी ले सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो इस तरह से पुष्प लेके इसमें डिप करिए और पहले पवित्र करिए सब चीज़ को। ओम गंगे नमो नमः ऐसे बोल के, और सब भगवान जी को जो भी हैं उनको आप इस तरह से और अपने ऊपर भी कर लीजिए। तो इस तरह से आप ये आपने छींटा दे दिया भगवान जी को। फिर उसके बाद हम भगवान जी को ये तिलक लगाएंगे। मैं भगवान जी को हमेशा ये चंदन तिलक, केसर तिलक ही लगाती हूँ, तो ये लगा देंगे ऐसे। और अक्षत, और उसके बाद वस्त्र के रूप में मैं इनको एक अलावा पहना दूंगी, ये देखिए ऐसे। उसके बाद पुष्प माला अर्पण करूंगी भगवान जी को, ये देखिए
ये पुष्प माला मैंने भगवान जी के फोटो पे लगा दी है, और बाकी यहाँ रख दूँगी। और आप कितने मर्जी पुष्प लगाना चाहो वो लगा सकते हो प्रभु को, ये देखिए। और आप तुलसी हैं, आज के मौसम में तुलसी ज़्यादा सूख भी रही है सबकी, हैं तो आप अर्पण करिए, नहीं तो तुलसी माला भी भगवान जी के पास रख सकते हो आप। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रसाद बना लेंगे भगवान जी का। ये पंजीरी का प्रसाद बना लेंगे आटे से। इसमें आपको आटा को घी में भूनना है, और जब तक थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, और फिर बाद में बंद करके इसमें बूरा या चीनी मिला दीजिए, या आपकी इच्छा ड्राई फ्रूट कुछ भी मखाने मिला सकते हैं। इस तरह से पंचामृत भी आपको बनाना है। पंचामृत सबको पता है कैसे बनता है, दूध दही घी शहद और शक्कर। तो ये पांच चीज़ों को मिक्स कर लीजिए तो आपका पंचामृत बन जाएगा। इन सब में तुलसी दल डाल दीजिए। उसके बाद हम जोत प्रज्वलित करेंगे। ये जोत इस तरह से बना दिए मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इस टाइम मैंने सेवा पूजा सब कर ली है, लेकिन मैं आपको बस ये रात हो रही है तो मैं ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से आप पहले जोत जला लीजिए, धूपबत्ती जला लीजिए। जलाने के बाद जब हम प्रभु को तिलक लगाएंगे, जब उसके बाद आप कलश पे भी साथिया बनाइए। मेरे पे तो बना हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये कलश पे साथिया बना दिया आपने, और फिर आप अपने माथे पे भी तिलक लगा लीजिए। ये लगाइए चंदन का या हल्दी का, हल्दी का भी महत्व होता है। तो यहाँ पे हल्दी भी रख के प्रभु को हल्दी का भी आप भोग लगा सकते हो। इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, हल्दी गाठ भी डाल सकते हो पानी में। फिर जब आपने जोत जगा ली, धूपबत्ती जला ली, फिर वनवासी वाले दिन फिर आप सब, जब आप सब परिवारजन बैठ जाइए और फिर आप कथा करिए। ये सत्यनारायण की कथा की किताब है, तो आप इसमें कथा करिए। इसमें पांच अध्याय हैं, पांचवें अध्याय ये पंचम अध्याय। पांच अध्याय के बाद आपको सत्यनारायण जी की आरती पढ़नी है, और फिर ओम जय जगदीश की आरती पढ़नी है। उसके बाद फिर आप जब आप कथा पढ़ लेंगे और आरती के टाइम आप कपूर ले लीजिए, कपूर से प्रभु की आरती कीजिए। ये देखिए, आप उससे प्रभु से इससे भी कर सकते हैं, और कपूर से तो आरती होती है आपकी इच्छा, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये ठीक है। तो इस तरह से आप आरती घुमाइए, और जब आरती पूजा सब करने के बाद आप क्या कहते हैं, भोग लगाइए पंचामृत का और पंजीरी का। जो ये इसमें केले आप काट के भी डाल सकते हो, और आप वैसे भी रख सकते हो। तो ये मैंने सत्यनारायण जी की व्रत की कथा आपको कही है, और कथा नहीं ये मतलब आपको विधि बताई है। और उसके बाद आप अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन भर आप व्रत का पालन कीजिए, मतलब फलाहार ले सकते हैं आप सब, जैसे आलू कुट्टू दही ये सब कुछ जो भी फलाहार चीज़ें होती हैं। और फिर शाम के टाइम आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए, और प्रभु को भोग लगाइए, फिर आप खुद खाइए। और पीले चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है, तो भगवान जी को कुछ ना कुछ पीली चीज़ें खिलाइए, लड्डू खिला दीजिए, कुछ भी बेसन का हलवा जो आपको अच्छा लगे वो जरूर खिलाइए। और उसके बाद हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ। या फिर आपने संकल्प जो लिया है, अगर आप व्रत का जैसे आप एक होते हैं खुले व्रत करना, जैसे आप कर लिया फिर आप छोड़ दिया कर लिया, उसमें संकल्प की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बाधित व्रत कर रहे हैं, यानी कि जैसे 11, 21, 31, 51, अगर आप ऐसे व्रत कर रहे हैं तो आपको पहले पुष्प हाथ में लेना है, अक्षत हाथ में लेना है, जल हाथ में ऐसे करना है, और संकल्प लेना है ऐसे कि प्रभु मैं आपके इतने व्रत कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और फिर इसको प्रभु के चरणों में छोड़ देना है। ऐसे छोड़ने के बाद फिर आप जो संकल्प रहा है उस हिसाब से आप व्रत करिए। और इस व्रत का जो उद्यापन है वो ऐसा कोई उद्यापन का इसमें नहीं आता कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ करना है, जैसे आप करते ही हैं हम सब, तो इसमें बस ये होगा उद्यापन। आपने जैसे आपके 11 व्रत पूरे हो गए, तो आपको उद्यापन के लिए मतलब पंडित जी से हवन कराना पड़ेगा, और पंडित जी और उनको जोड़े से जिमाना पड़ेगा, यानी पंडित जी और उनकी मिसेज जो पंडितानी है दोनों को जोड़े से जिमाना पड़ेगा, उनको भोजन खिलाना पड़ेगा, और क्या कहते हैं उनको सामर्थ्य अनुसार जो आपके सामर्थ्य हैं उन्हें वस्त्र दक्षिणा सब दे के उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से आपका सत्यनारायण व्रत का उद्यापन भी हो जाएगा। तो मैंने ये शॉर्ट में आपको सत्यनारायण व्रत की जो विधि बताई है, अगर
ये विधि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। और बस यही सब कुछ होता है जो नॉर्मली हम व्रत करते हैं, वरना तो अगर विधान देखे जाएँ तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन अगर आप घर में इस तरह से अपने से ही करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, जैसे अगर आप व्रत कर रहे हैं, देखो ये तो मैंने नॉर्मल कथा का ही बता दिया, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप इस पे आम के पत्ते रखिए, आम के पत्ते नहीं है तो अशोक के पत्ते भी मिल जाते हैं, वो रख के ऊपर नारियल रख के व्रत स्टार्ट करिए। अगर आप संकल्प करके व्रत कर रहे हैं तो इस पे पहले आम के पत्ते रखिए, वो नहीं है तो अशोक के पत्ते रखिए, फिर वो नारियल रखिए। इस तरह से व्रत का शुरुआत करनी है आपको। ये सब चीज़ें रखने के बाद फिर संकल्प लेना है। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करना। और जय श्री राधे। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई, जय श्री राधे।